हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइंस बुक चैप्टर 4 ऑफ क्लास 2। आज हम लोग साइंस बुक पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 2 का। चैप्टर 4 इज हेल्पफुल एनिमल्स। हम लोग के जो उपयोग में आने वाले जो जानवर होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कुछ जो जानवर होते हैं हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। दे कीप देम ऑन फार्म्स और इन द बैकयार्ड ऑफ आवर होम। इसको हम लोग फार्म में पालते हैं और अपने घर के पीछे भी इसको रखते हैं, साइड्स में रखते हैं। फर्स्ट टॉपिक, एनिमल्स गिव अस फूड। अब हम लोग जानेंगे एनिमल्स कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम लोग को भोजन देते हैं। मिल्क, मिल्क जो होता है हम लोग पीते हैं, उसको कौन से जानवर से प्राप्त करते हैं? सो मिल्क काउस, बफेलो, गोट्स, शीप्स एंड कैमल्स गिव अस मिल्क। कैमल्स, काउ, बफेलो, जो जानवरों का नाम मैंने यहाँ शो किया है, ये सारे जो जानवर होते हैं इनसे हम लोग मिल्क प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं। मिल्क इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। मिल्क जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक, मीट गिविंग एनिमल्स। जानवरों से, कौन से जानवरों से हम लोग मीट प्राप्त करते हैं? तो वी गेट मीट फ्रॉम मेनी एनिमल्स। कुछ जानवरों से हम लोग मीट प्राप्त करते हैं। इट इज ऑल्सो अ बॉडी बिल्डिंग फूड। ये जो होते हैं ये भी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और किन किन जानवरों से प्राप्त करते हैं मीट? फॉर एग्जाम्पल्स में हम लोग बोल सकते हैं शीप, गोट, फिश, एडीसी, इन सभी जानवरों से हम लोग मीट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एग्स। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन। अंडे जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो हेन से प्राप्त करते हैं। एग्स आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। जो एग्स होते हैं ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स है, साधन है प्रोटेक्टिव फूड का, उसको हम लोग को सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, हनी। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। हम लोग हनी किससे प्राप्त करते हैं? तो हनी बीज से प्राप्त करते हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं उनसे। हनी इज अ वेरी गुड एनर्जी गिविंग फूड। हनी जो होता है यह एक वेरी गुड एनर्जी गिविंग फूड होता है, उससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स गिव अस क्लॉथिंग। कुछ जानवरों से हम लोग को कपड़े भी प्राप्त होते हैं, उनके हेल्प से हम लोग क्लॉथ्स का निर्माण करते हैं। सम एनिमल्स हेल्प अस विद क्लॉथ्स। कुछ जानवरों का उपयोग हम लोग कपड़ों के लिए करते हैं। वी गेट वूल एंड फर फ्रॉम सीप एंड याक। और सीप के फर से हम लोग ऊन का निर्माण करते हैं। एंड गेट लेदर फ्रॉम कैमल और सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। लेदर जो है, चमड़ा है, वो बहुत सारे जानवरों से प्राप्त करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ कैमल्स का नाम दिया है। एंड सिल्क, जो सिल्क होते हैं वो हम लोग सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिसका उपयोग हम लोग ट्रांसपोर्टिंग में करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कैमल्स, हॉर्स एंड एलिफेंट्स, ये जो जानवर है इन सबका ट्रांसपोर्टिंग में हम लोग उपयोग करते हैं। हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो जानवर होते हैं ये बहुत हैवी, बहुत वजन वाले लोड्स को एक दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। काउ, बफेलो एंड ऑक्सन हेल्प अस इन एग्रीकल्चर। काउ, बफेलो, ऑक्स, ये सब जो जानवर होते हैं ये हम लोग को एग्रीकल्चर में उपयोग होता है। सेव कर दीजिए।